आजम खान ने चुनाव का किया बहिष्कार, समाजवादी पार्टी रामपुर से नहीं लड़ेगी चुनाव। गठबंधन का फैसला, जिसकी पुष्टि सपा के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान ने प्रेस वार्ता कर की। मेरा ये कहना है कि जितनी भी देश की संस्थाएं हैं, उन सब का जितना भी ये सरकार अपमान कर सकती थी, CBI हो, ED हो, RBI है, यहाँ तक कि आर्मी है, जितनी हमारी संस्थाएं हैं जिनसे देश चलता है, उन सब पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा करना चाहती है और बहुत हद तक कामयाब भी हुई है। यहाँ चुनाव के संबंध में घोषणा हो गई है पार्टी की तरफ से, रामपुर जिला इकाई की, कि वो पार्लियामेंट के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब इसके बाद मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की मंशा पूरी होगी। इसके बावजूद इन दिनों जबकि एक महीना भी ठीक से चुनाव में बाकी नहीं है, रामपुर में SIT का डेरा डालना, लोगों को डराना धमकाना, अखिलेश जी की भी मंशा है, उनको इस फैसले से सूचित कर दिया गया। पार्टी जाने समाजवादी पार्टी को यहाँ के फैसले से सूचित कर दिया है पार्टी तो समाजवादी से कोई नहीं लड़ेगा क्या पार्टी? ये यहाँ का फैसला है, कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। आजम भाई, आने वाले चुनाव में बसपा की सुप्रीमो बहन मायावती जी मुलायम सिंह जी के लिए प्रचार करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? गठबंधन तो गठबंधन होता है, अब जब दोनों दल एक हो गए हैं तो दिल भी एक हो गए। तो क्या मानते हैं, बसपा कैंडिडेट लड़ेगा, सपा कैंडिडेट लड़ेगा, मतलब दोनों में काफी गठबंधन?